ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि हर राशि पे ग्रहण का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों में ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं हैं। ग्रहण के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, सूतक काल रहता है, इस काल में दान और मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के वो कौन से नियम और सावधानियां हैं जिनका पालन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर महीने की पूर्णिमा विष्णु भगवान को समर्पित होती है। इस दिन तीर्थ स्थलों में गंगा स्नान लाभदायक और पाप नाशक माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, इसलिए इस दिन भगवान बुद्ध का ध्यान करना विशेष लाभदायक होता है। लेकिन वैशाख पूर्णिमा पर इस बार है चंद्र ग्रहण का प्रभाव। मंत्रों का जप करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, राहु के मंत्र का जप करें और चंद्रमा के मंत्र का जप करें। इष्ट देव के मंत्र का जप आप लोग जानते होंगे, जो आपके इष्ट देव होंगे उनके अनुसार आप मंत्र का जप कर लेंगे। सूर्य से संबंधित ओम सोम सोमाय नमः, ओम सह चंद्रमशाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम रांग राहवे नमः, इसी प्रकार अनेकों मंत्र आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको आप खूब जपें ग्रहण काल के दौरान। लेकिन अपने इष्ट देव को जरूर याद करें, उनके मंत्रों को जरूर जपें। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि बुद्ध पूर्णिमा की तिथि पूजा पाठ के लिए विशेष कल्याणकारी है, इसलिए इस दिन ईश्वर के ध्यान और उपासना से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन को दैवीयता का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था। इस दिन ध्यान, दान और स्नान विशेष लाभकारी होता है। इस दिन तिलों का प्रयोग करना चाहिए। ये तो बात थी वैशाख पूर्णिमा की, लेकिन आज ही लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो किन मंत्रों का जाप करना बेहद उत्तम होगा, आइए आपको बताते हैं। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्र शेखराय नमः, ओम नमः शिवाय। पूजा उपासना और ईश्वर की भक्ति में बहुत ही शक्ति है। कहते हैं जब ईश्वर की कृपा मिलती है तो हर बाधा से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख पूर्णिमा भी ईश्वर की कृपा पाने का ही ऐसा ही दिव्य दिन है। ईश्वर की कृपा पाने के लिए वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा ही मंगलकारी और दिव्य है। आप इन महाप्रयोगों को कीजिए, ईश्वर आपका सदा और सर्वदा कल्याण करेंगे।